जो होते हैं वो हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों के प्यार का और उनके सम्मान का, उनके साथ का, और साथ ही इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं जब वो आपको पसंद करते हैं तो आपको एक अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक मोदी जी की सरकार है अवार्ड, जिससे आपको महसूस होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, हौसला अफजाई के काम आता है। नहीं देखिए, तो अच्छी बात है, जहाँ वो नाम छोड़ गए, हम सोच रहे हैं कि नाम रोशन करें, और नाम रोशन भी एक अपने आप में नाम है, रॉय भी अपने आप में एक नाम है, तो काफ़ी नामों की भी मिली हुई सरकार है। तो बड़ा मज़ा आया राहुल भाई से मिलकर, बड़ी खुशी भी हुई, बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई उनसे, तो बड़ा अच्छा लगा।
सॉरी हाँ विशाल जो है वो 5 साल से जो है वो पनाश चला रहे हैं, अवार्ड चला रहे हैं, और अपने आप में एक बहुत कठिन काम होता है कोई भी चीज़ को लगातार कई सालों तक चलाना। कोविड आया और अभी भी चल रहा है, तो इस सब के बीच में भी उनके अवार्ड जो हैं वो थमे नहीं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, और आप कई सालों तक इस अवार्ड्स को एक नए परचम पे पहुँचाएँ और बड़ा बनाएँ। यार सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद टू पलास, टू विशाल कपूर, हबीब, परवेज, मोना, द एंटायर टीम जिन्होंने पूरा ये अवार्ड किया है। इट्स नॉट वेरी इजी टू यू नो गेट ऑल दीज थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, यू नो टू गेट ऑल द स्पॉन्सर्स इन प्लेस, टू गेट ऑल द एवरीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द अवार्ड्स, एंड आई थिंक इट टेक्स अ लॉट टू डू इट। विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट and it's very good. I think जितने भी सारे लोग जो मेहनत करते हैं they look forward to the appreciation and ये awards ही हैं जो बहुत सारे लोगों को और motivate करते हैं to work hard and finally अगर इस साल नहीं जीते तो you know they look forward to winning it the next year. So I hope that the award just goes bigger and bigger every year. Wish the entire team all the very best. यार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जब से यहाँ पर आया हूँ इट्स बीन वेरी वेरी एंटरटेनिंग, देयर हैव बीन सम गुड परफॉर्मेंसेस, द ब्यूटी पेजेंट हैज बीन वेरी वेरी गुड एंड द कंटेस्टेंट्स हैव बीन गुड एंड एज आई सेड इट टेक्स अ लॉट, सो आई जस्ट वुड लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड द अवार्ड्स टू गेट बेटर एंड बिगर एवरी ईयर। थैंक यू, थैंक यू दोस्त। मैं पनाश के बारे में बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ बट ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, बट विजय और हमीद का जो करना है मेरे को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं, और मैं बहुत इन लोगों को बहुत दुआएं देता हूँ इन लोगों को कि व्हेनेवर वो चीज़ करते हैं वो मेरे को बुला कर के करते हैं सब चीज़ें, तो बहुत अच्छा काम लगता है इनका, रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं, बहुत बहुत, बहुत अच्छा है और बहुत काम करते हैं। मैं कर रहा हूँ उसको विशाल के बारे में, जब मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ बट जैसे वो कर रहा है, जैसे मेरा काम है ये सब चीज़ें करने का वगैरह, बहुत अच्छा काम करता है एंड आई एम बहुत उसके बारे में मैं सबसे पहले उसको पहले करता हूँ, मैं सब चीज़ें करता हूँ, सो वेरी गुड। करेक्ट है, ये बहुत अच्छा काम है और मैं इनके बारे में बहुत चीज़ें मैं करता हूँ, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ वैसे, बट पनाश का, हबीब का, सब चीज़ें वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। सॉरी आज मिलेगा, सब चीज़ें मिलेगा, मैं चाहता हूँ कि पता नहीं तेजस का मैं चाह रहा हूँ, तेजस का मैं कर रहा हूँ, हाँ सोचता हूँ बट पता नहीं क्या होगा, अभी तो सर अभी क्या है बट अभी तेजस का आई वांट टू डू समथिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एक और अवार्ड आपके नाम पे आज पनास आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम अरुणा शर्मा है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और आज मेरे को पनाश की तरफ से अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने कुछ कार्य किया हुआ है, जो अपनी फील्ड में किसी ने सफलता पाई है तो उनको मिलता है, तो आज सब महिला जितनी भी क्राउन ओनर थी उनको ये क्राउन मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, पनाश के जो फाउंडर हैं वो विशाल कपूर जी हैं, वो डिज़ाइनर हैं, तो आज उन्होंने हम सब महिलाओं को ये अवार्ड से सम्मानित किया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। I'm very happy to receive this award today from Panash from Vishal Kapoor and of course my favorite Hussain. So receiving it from his hand was a great thing because he's my mom's favorite actor. So that was a really proud moment for me as well. So I would like to thank Vishal Kapoor and Panash, and today I seen all his designs which were worn by the queens. It is a fantastic show he's put up and the designs of his are really really wonderful. Thank you Vishal Kapoor and thank you Panash for this beautiful award. Thank you ma'am. Just a second. 5 saal ho chuke mere khayal se. Ji ji.
पहली बात तो आप सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप मीडिया लोग ने इतना सपोर्ट किया, टाइम पर आए और इस इवेंट को आपने अच्छे से पूरा कवर किया है। एंड ये हमारा 5th एडिशन था मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस ऑफ पनाश रनवे का। ये मेरे विनर्स हैं यहाँ पे एंड वी हैड अ लवली इवनिंग। इनकी प्रॉपर क्राउनिंग हुई है और काफ़ी लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है ताकि ये अपने लाइफ में और आगे बढ़े और एंड दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम टू शोकेस देयर एबिलिटीज एंड टैलेंट। आई विश देम अ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमने शुरू से सोचा था कि क्राउन्स खाली विमेंस के लिए भी नहीं होता है, बट जो राजा होता है, जो किंग होता है, उनके लिए भी होना चाहिए। तो जब मिस्टर उस टाइटल को जीतता है तो वो भी उस क्राउन का हकदार है, तो इसलिए हमने मिस्टर लोगों के लिए भी, जो विनर्स हैं, उनके लिए क्राउन बनाया है। कोविड के बाद पहला है जी, किस तरह से रिस्पॉन्स लगा आपको? एक्टर्स भी आए थे यहाँ पे जी? नहीं, द रिस्पॉन्स वॉज गुड। काफ़ी प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है। जितने भी लोग आए थे वो मास्क में आए थे, सैनिटाइज किया गया है उनको और हमने कम से कम भीड़ यहाँ पे इकट्ठा की है। सो द थिंग वॉज वेरी वेल मेंट। ये हमारा पूरे 5 महीने का प्रोसेस था। ये लोग सब अलग अलग जगहों से हैं, इनका पूरा प्रॉपर हंटिंग किया गया है, इनकी एबिलिटी देखी गई है और उस बेसिस पे उनको चूज़ किया गया है और इनको जिस तरीके से हमने ग्रूम किया है और आज आप देख रहे हैं आपके सामने, ये मेरे जो फेस ऑफ पनाश है, मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपके सामने हैं। आर्टिस्ट भी काफ़ी लोग आगे थे, राहुल रेड्डी थे, सिया थी जी। मैं अगेन थैंक्स कहना चाहूँगा ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हैं हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, जिसमें मिस्टर राहुल रॉय थे, हुसैन के हैं, डॉल्फिन दुबे हैं, रिचा सिन्हा जी हैं एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए हैं और जिनको हमने पनाश अवार्ड्स भी दिया है आज। और इसके साथ साथ हमारा क्वींस लीग गोल्डन अवार्ड जो हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी ब्यूटी क्वींस हैं जो कि टाइटल होल्डर्स हैं, उनको पूरा फेलिसिटेट कराया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वी आर कमिंग अप सून इन मार्च फॉर द वुमेन्स अवार्ड। थैंक यू सो मच।